मुंबई के दुकानदारों की अब खैर नहीं। जिस भी दुकानदार ने अपने दुकान के ऊपर मराठी में साइन बोर्ड नहीं लगाया है, उन दुकानदारों के खिलाफ अब मन से सड़कों पर उतर आई है। साथ ही बीएमसी भी अब कार्रवाई करेगी, क्योंकि कल अल्टीमेटम खत्म हो रहा है। बीएमसी ने मुंबई में दुकानों पर मराठी बोर्ड लगाने की आखिरी समय सीमा 28 नवंबर की थी, और इसके बाद दुकानदारों के खिलाफ सीधे कार्रवाई होगी और प्रति कर्मचारी 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा। और साथ ही मन सैनिक सड़कों पर है। बीएमसी ने ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जिनके पास मराठी भाषा में बोर्ड नहीं है, और अब भारी जुर्माना लगने वाला है। 25 नवंबर के बाद 28 नवंबर तक की तारीख दी गई थी। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, जहां मनसे ने अपने स्टाइल में कार्रवाई शुरू कर दी है, कुर्ला के फिनिक्स मॉल की तस्वीर है। यहां पर कार्यकर्ता मनसे नेता महेंद्र भानुशाली कुर्ला फिनिक्स मॉल को ये चेतावनी देते हुए नजर आ रहे कि अगर मराठी बोर्ड नहीं लगा तो मॉल का एक भी कांच नहीं बचेगा। देखिए, मनसे ज्या पद्धतीने आम्ही त्यांच्याशी बोलणार आहोत, आमची विनंती आहे साहेब, आम्हाला अडवू नका, आम्ही एकदम शांततेने त्यांना समज देणार आहोत। माझी विनंती, हात जोडून साहेब, हे लोक मराठी भाषेचा अपमान करतायत। सुप्रीम कोर्टाने सांगितलंय की 2 महिन्याची वेळ सुप्रीम कोर्टाने यांना दिली, तरी पण ह्या लोकांना कळत नाही की आम्ही मराठी पाट्या बनवावे म्हणून। साहेब मी काय म्हणतोय, 2 महिने झालेत, मी यांना पत्र देऊन 1 महिना झालेला आहे। साहेब माझी हात जोडून विनंती आहे, पाहिजे तर आपण माझ्यासोबत या, मी तुम्हाला दाखवतोय ना। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर मराठी भाषा का सम्मान होना चाहिए, और हर बोर्ड के ऊपर, दुकान के बोर्ड के ऊपर मराठी के अंदर बड़े अक्षरों में लिखा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका आदेश दिया, 2 महीने हो गए, लेकिन ये फिनिक्स मार्केट सिटी मराठी भाषा का सम्मान नहीं कर रही है, वो क्लियर कट दिख रहा है। उसके निषेध में आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, और उनके मैनेजमेंट से हम आज मनसे की स्टाइल से बात करेंगे, और उनको मराठी पार्टी अगर नहीं बनाएंगे तब तक हम लोग ये मॉल के अंदर लोगों को आने भी नहीं देंगे। जाएंगे हम मॉल के अंदर, जाएंगे मैं, पुलिस पुलिस का काम करेगी, हम लोग हमारा काम करेंगे। नहीं, या लोकांची मुजोरी आहे, हे लोक मराठी भाषेचा मान सन्मान ठेवत नाही हे दिसून येतोय। आणि हा फिनिक्स मॉल जो आहे हा हिंदू धर्माचा विरोध पण आहे आणि मराठी भाषेचा पण विरोधी आहे, कारण 2 महिने झाले सुप्रीम कोर्टाने जर आदेश दिलेला आहे तरी पण जर हे लोक मराठी पाट्या लावत नसतील तर हे चालणार नाही। आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे यांचा आदेश आहे, जिथे मराठी भाषेचा सन्मान होणार नाही तिथे मनसेच्या पद्धतीने तुम्ही जाऊन तिथे त्यांना जवाब उत्तर द्या, आणि आज आम्ही उत्तर देणार आहोत।